उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन के बाद खुले उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के दौरान श्रमिकों से 12-12 घंटा काम कराने के प्रस्ताव के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बिगुल बजा दिया है। मायावती ने शनिवार को 4 ट्वीट किए और कहा कि श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों एवं श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 के स्थान पर 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने यह भी कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 12 नहीं बल्कि 8 घंटे श्रम व उससे ज्यादा काम लेने पर ओवरटाइम देने की युग प्रवर्तनकारी काम किया था और ये काम उन्होंने तब किया था जब देश में श्रमिकों एवं मजदूरों का शोषण चरम पर था। इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी युग में धकेलना क्या उचित है? देश में वर्तमान हालात के मद्देनजर श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि खासकर जिन फैक्ट्री एवं प्राइवेट संस्थानों में श्रमिक कार्य करते हैं वहीं उनके रुकने आदि की व्यवस्था हो। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी स्थिति में वे भूखे ना मरे और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो, ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो अभी काम का पता नहीं है, परंतु सरकारें बेरोजगारी व भूख से तड़प रहे करोड़ों श्रमिकों मजदूरों के विरुद्ध शोषणकारी आदेश लगाकर काम जारी रखने पर तत्पर है। उन्होंने ये अति दुखद व सर्वथा अनुचित, जबकि इस कोरोना के संकट में इन्हें ही सबसे ज्यादा सरकारी मदद व सहानुभूति की जरूरत है।